नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइव नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारियां लेकर आई हूं। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केले को काले रंग की रोशनी के नीचे रखने पर केला नीला रंग का हो जाता है। केले की इस नीली चमक की खोज ऑस्ट्रेलिया के एक इंसब्रुक विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिक यह जानकर चकित रह गए कि पके केले यूवी प्रकाश के तहत नीले रंग में चमकते हैं। किसी ने गलती से केले के छिलकों को यूवी प्रकाश के नीचे फेंक दिया। उन्होंने पाया कि जिनमें बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं में लगभग शून्य प्रदीप्ति होती है। दो दिनों के भंडारण के बाद अधिकतम तक पहुंचने तक छिलके की फ्लोरोसेंस क्षमता बढ़ेगी। क्लोरोफिल के क्षरण से FCC का उत्पादन तब हुआ जब केले सबसे अधिक पीले होते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप जानते हैं डोमिनोज ने रूसियों को 100 मुफ्त पिज्जा की 100 साल तक फ्री डिलीवरी की पेशकश की। जिन्होंने अपने शरीर पर कंपनी के लोगों का टैटू गुदवाया और इसकी एक छवि सोशल मीडिया पर साझा की। यह प्रस्ताव 31 अगस्त के शुरू हुई और 2 महीने तक चलने वाली थी, लेकिन कंपनी को इसे सिर्फ 5 दिनों के बाद समाप्त करना पड़ा। कंपनी ने कहा कि वह इसके बजाय केवल 35 लोगों को पिज्जा देने का वादा करेगी जिन्होंने अपने डोमिनोज टैटू साझा किए। इसके बाद डोमिनोज पिज्जा को एक वायरल मार्केटिंग प्रमोशन को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें रूसी प्रशंसकों को जीवन भर मुफ्त पिज्जा की पेशकश की गई थी। तीसरा, दोस्तों क्या आप हाइपरसोनिक प्लेन के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की उड़ान भर सकने की क्षमता के साथ आप 1 घंटे में पृथ्वी पर कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक एविएशन स्टार्टअप लोगों को 1 घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति देकर हाइपरसोनिक उड़ानों को वास्तविकता बनाने पर काम कर रहा है। विनस एरोस्पेस कॉर्प ने कहा है कि उसका हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन लॉस एंजलिस से टोक्यो तक यात्री को लगभग 1 घंटे में ले जाने में सक्षम होगा। एक उड़ान जिसमें अन्यथा 11 से 13 घंटे लगते हैं। कंपनी वर्जित ऑर्बिट LLC के पूर्व कर्मचारी सारा उग्लेबी और उनके पति एंड्रयू उग्लेबी के दिमाग की उपज है, जो कि ध्वनि की गति से तेज गति से यात्रा करते हैं, जबकि वीनस एरोस्पेस को विकसित करने का लक्ष्य बना रहे हैं। वो हाइपरसोनिक जेट है जो कि सुपरसोनिक की तुलना में ज्यादा तेज है। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिकी वायुसेना के कप पर $1,280 खर्च क्यों किए? वर्ल्ड वॉर एक की खाइयों में इंस्टेंट कॉफी के ने सैनिकों को एक बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। जून के अंत तक अमेरिकी पैदल सेना के सैनिक यूरोप में पहुंचने लगे। रास्तों में उन्होंने कॉफी पीकर गुजारा किया। कुछ संघ के सैनिकों को एक यांत्रिक चक्की के साथ राइफलें मिली जिसमें बूट स्टार्ट में एक क्रैंक बनाया गया था। वे कॉफी बीन्स के साथ कार्बाइन के स्टॉक के भीतर एक खोखली जगह भर देंगे, इसे पीस लेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे और इस तरह कॉफी पकाएंगे। इनके कप धातु के बने होते हैं जो कि रीहीट हो जाते हैं जब फ्लाइट में एयर फ्यूल भरा जाता है, और जब यह गिरते हैं तो ज्यादा बिखरते नहीं है, इसलिए इस मग की कीमत 95,000 रुपये है। पांचवा, दोस्तों क्या आप स्वर्ग और धरती के बीच की जगह के बारे में जानते हैं? पृथ्वी पर उस स्थान पर एक नज़र डालें जो केवल चंद्रमा से नग्न आंखों से दिखाई देता है। असाधारण सोलर डी उयुनी या उयुनी सॉल्ट फ्लैट, जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, पेरू की सीमा के पास दक्षिणी बोलीविया के विस्तार में स्थित है। यह एक अच्छे कारण के लिए है कि यह स्थान 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैले दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जो चंद्रमा से नग्न आंखों से दिखाई देता है। नमक के फ्लैटों के अंदरूनी हिस्से में कई द्वीप जीवन के अनूठे रूपों जैसे कि विशाल कैक्टस को आश्रय देते हैं। इस क्षेत्र में किसी भी खनन की अनुमति नहीं है। नमक के पिरामिडों का उपयोग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरेक्स और लिथियम जैसे खनिजों की कटाई के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही आकर्षक है। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।